माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सशक्त नेतृत्व में सहकारिता के माध्यम से मध्य प्रदेश समृद्धि की दिशा में स्थापित कर रहा नए आयाम। मध्य प्रदेश में सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में 53,000 सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान का कार्य किया जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और उनसे जुड़ी पैक्स समितियों ने लगभग 40 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। खरीफ सीजन 2024 में विपणन संघ ने 10 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरित किए हैं, जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 1,711 पंजीकृत प्राथमिक बीज सहकारी संस्थाएं सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। साथ ही 2,725 पैक्स संस्थाओं में सामान्य सेवा केंद्र भी संचालित हो रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं को पहुँचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सहकारिता के क्षेत्र में कृषक उत्पादक समूहों का गठन भी किया गया है, जो कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश का सहकारिता मॉडल समृद्धि की राह दिखाते हुए किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बना रहा सशक्त,